उन्मुक्त पूंजीवाद। हम तो विकेंद्रीकरण के समर्थक रहे, हम तो छोटे उद्योगों को बढ़ाने के समर्थक रहे। और इसीलिए वर्षों पहले एक फ्रांसीसी लेखक यहां पर आया था जिसका नाम था एमरी डी रेनकोट, और उसने एक पुस्तक लिखी, वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर नहीं थी, जनरली हिंदुस्तान पर थी, द सोल ऑफ इंडिया करके। और उस एमरी डी रेनकोट ने उस अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में, हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों की और उनके आर्थिक कार्यक्रमों की तुलना करते हुए कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत बार भारतीय जनसंघ को कांग्रेस का सबसे प्रमुख विरोधी माना जाता है, गांधी जी के भी वो आलोचक माने जाते हैं, लेकिन गांधी जी का जो आर्थिक चिंतन था, उस आर्थिक चिंतन के अगर सबसे अधिक निकट कोई हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है तो वो है भारतीय जनसंघ। और फिर आगे लिखता है कि मुझे इसका दूसरा कारण कोई नहीं समझ में आता सिवाय इसके कि जिस प्रकार से गांधी जी के पैर यहां की धरती पर टिके हुए थे, वैसे भारतीय जनसंघ के भी चिंतन वह इस धरती से उद्भूत है। यह बात 1957 में या 58 में एमरी डी रेनकोट ने अपनी पुस्तक में लिखी। मैं आज भी मानता हूं, इन दिनों में जब बड़ी बात होती है, आप तो कहते हैं कि नरसिम्हा राव जी ने जो तरीका अपनाया 1991 में वो ठीक था, और फिर आप स्वदेशी की बात करते हैं, ये परस्पर विरोधी बातें नहीं है, ये कैसे होगा? मैं उनको कहता हूं कि 1991 में उन्होंने कुछ किया नहीं था, 1991 में घोषणा की थी, और वो घोषणा ये थी कि अब तक की जो कांग्रेस की रणनीति थी, कमांड इकोनॉमी की जो स्ट्रेटेजी थी, जिसके अंदर द पब्लिक सेक्टर शुड हैव द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, यह गलत थी, इसका हम परित्याग कर रहे हैं और नई नीति अपना रहे हैं कि जिसमें डी कंट्रोल होगा, डी रेगुलेशन होगा, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन होगा। हमने कहा यह तो हम सालों से कहते आए, आप आज कह रहे हैं बहुत अच्छा, करिए, जरूर करिए। और हमको उस समय लगा कि हो सकता है भाई ये कोई उस परिवार का हिस्सा नहीं है, पहली बार पारिवारिक राज का अंत हुआ है, विद्वान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में 1991 में सारी दुनिया ने यह भी देख लिया कि दुनिया भर में साम्यवाद का पतन हो गया, साम्यवाद बिखर गया, सोशलिस्ट कंट्रीज और सोशलिस्ट इकोनॉमीज हैव क्रम्बल्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो उससे शिक्षा पाकर के अगर ये पुरानी रणनीति का परित्याग करके नई रणनीति अपनाने को तैयार है तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने उसका अभिनंदन किया कि बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अभिनंदन करना उसका मतलब स्वदेशी का परित्याग नहीं। और स्वदेशी, जिसमें मैं कहता हूं, मैं इस बात पर बल दूंगा कि स्वदेशी का अर्थ यह नहीं है कि केवल यहां पर बनी हुई चीज का प्रयोग करना, स्वदेशी का संबंध मस्तिष्क से है, मानसिकता से है। जो मानसिकता यह मानती है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता जब तक IMF हमको सहायता नहीं देती, जब तक वर्ल्ड बैंक हमको लोन नहीं देती। इन दिनों में ग्लोबलाइजेशन की बात करने वाले जितने हमारे कांग्रेस के नेता हैं, उनकी बात से डिफिडेंस झलकता है, सेंस ऑफ डिफिडिज्म झलकता है कि हम तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। यह बात गलत है, मूलतः। दूसरी तरफ हम यह नहीं चाहेंगे कि देश कूप मंडूक बन करके रहे, कूप मंडूक नहीं बनना, यह देश वास्तव में विश्व छोटा हो गया है। परिवहन के साधन, संचार के साधन, यहां बैठे बैठे आपको दुनिया भर का पता लगता है। अब तो पता नहीं टेलीविजन ने कैसा चमत्कार कर दिया है, तो उसको नजरअंदाज करके कोई चलता है, गलत है। हमारा डिपिक्शन होता है, स्वदेशी का शब्द प्रयोग करो, कहेंगे ऑब्स्क्यूरेंटिस्ट, पिछड़े, फलाने ढिपके, दुनिया भर की बात करते हैं। मैं उनको कहूंगा कि यूं तो किसी देश की नकल नहीं हो सकती, भारत भारत है, ना अमेरिका बन सकता है और ना जापान बन सकता है, जापान भी नहीं बन सकता, जापान की भी अपनी विशेषताएं हैं। और यह अपनी विशेषताओं पर बल देने के लिए उनका अनुभव हमको जरूर काम में आएगा। मैं इसलिए पिछले दिनों में एक जापानी प्राध्यापक हैं, उनके कुछ उदाहरण पढ़ रहा था, तो बहुत उन्होंने बढ़िया बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारे ये पश्चिम के लोग वो ये मानते हैं कि हम जब फ्री एंटरप्राइज की बात करते हैं तो फ्री एंटरप्राइज दुनिया के लिए सार्थक है,
सारी दुनिया को उसी मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा यह सही नहीं, हमने नहीं माना, हमने उनकी बात नहीं मानी। और उन्होंने यहां तक कहा, मैं उनको कोट करना चाहूंगा, उनका नाम है प्रोफेसर ताकेशी हयाशी और वो दत्तो बंका यूनिवर्सिटी जापान उसके एक प्रमुख प्राध्यापक हैं, जिन्होंने कहा द ट्रेडिशनल आर्टिसन डज नॉट हैव द ट्रेनिंग बाय विच ही कुड टीच इन द यूनिवर्सिटी सिंस हिज क्राफ्ट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अ थियरी, इट इज मोर इन द नेचर ऑफ पासिंग ऑन ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे यहां पर बहुत सारे कारीगर हैं जो उनकी योग्यता उनकी क्षमता वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते आते हैं, वो कभी सीखे नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, और उनकी जो योग्यता है उनकी जो प्रतिभा है उसका अगर हम उपयोग नहीं कर सकते और हम इस प्रकार से सारी दुनिया की यहां पर मैकेनिज्म लाते हैं मशीनरी लाते हैं जो उसको बेघर कर दे या उसको डिस्प्लेस कर दे तो हम किसी की सेवा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा बट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न इंजीनियर्स दे कैन बी मोबिलाइज्ड इन अ वे सो एज टू हेल्प द न्यूली इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। हाउ डज वन कंबाइन द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न? इन अवर केस वी हैव बीन वेरी सिलेक्टिव इन वे एंड हाउ मॉडर्निटी इज टू बी एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ टेक्सटाइल्स ओनली स्पिनिंग हैज बीन मैकेनाइज्ड नॉट वीविंग। वीविंग वॉज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द ट्रेडिशनल आर्टिसंस। लंबा उसमें मैं पूरा नहीं उद्धरण करना चाहता हूं। मूलतः परंपरा और आधुनिकता इन दोनों का सही मेल चाहिए और उसमें सारा विश्व छोटा हो गया है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इसीलिए मैं सावधान करूंगा अपने सभी साथियों को सहयोगियों को, ज़ेनोफोबिया जिसको कहते हैं ना, कोई बाहर का है कोई विदेशी है इसलिए खराब है, यह दृष्टिकोण कभी ना अपना है। ज़ेनोफोबिया अच्छी चीज नहीं, लेकिन कोई बाहर का है इसीलिए चकाचौंध में आकर के उसी का अनुसरण करना उसी की नकल करना क्योंकि स्विट्जरलैंड में यह होता है इसलिए हमको यह करना चाहिए, इस चक्कर में नहीं पड़ना। हम बहुत इसके भुगते हुए हैं, अंग्रेजी के प्रभाव से हम कितने हीन भाव से ग्रसित हैं इसका अनुभव हमको पर्वतों पर आता है। अंग्रेजी वेशभूषा पहनने वाला उसका आदर होता है, भारतीय वेशभूषा वाला कम होता है, अंग्रेजी बोल सकने वाले का आदर ज्यादा होता है और महान पंडित हो संस्कृत का उसका आदर नहीं होता है। मैं तो दिल्ली में जब आया था 1957 में पहली बार तो टेलीफोन उठाता था और टेलीफोन पर आदत थी उत्तर देने की और जब भी कोई फोन करता था मैं उठा करके कहता था हाँ जी और हाँ जी कहते ही उधर से आता था सांप घर में है क्या, मैंने उसको लगता था कि ये हाँ जी कह रहा है तो निश्चित रूप से घर में कोई नौकर होगा जो नहीं तो, तो अगर स्वयं होते तो फिर हेलो कहते मैं नो हूं स्पीकिंग ऐसा कुछ कहते। ये जो मानसिकता है वह मानसिकता का परित्याग करना यह स्वदेशी का सबसे बड़ा आग्रह है और इस स्वदेशी के आग्रह में हमारा यह भी संकल्प है कि देश में ऐसी रणनीति हो जिसके सहारे चलते हुए हम ऋण में अधिक से अधिक डूबते न जाए, ऋण मुक्त हो जाए, ऋण मुक्त भारत यह तैयार करना यह हमारे स्वदेशी का लक्ष्य है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। विकेंद्रीकरण केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए और स्वदेशी अर्थव्यवस्था चाहिए, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन तब आता है जब हम इन शब्दों को सीमित करने लगते हैं, अन्यथा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। मित्रों तो ये कर्नाटक है और आधुनिकता की बात करता हूं तो इस कर्नाटक में विश्वेश्वरैया थे, इंजीनियर थे, महान इंजीनियर थे और इन्होंने जो 100 वर्ष जिए और उन्होंने मैसूर में सबसे पहले हिंदुस्तान का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बना और ये मैसूर है कि जहां पर वृंदावन गार्डन्स हैं, लोग जाएंगे देखने के लिए, जिन्होंने न देखा हो जरूर जाइए, बिना उसको देखे हुए बेंगलोर मात्र से संतोष नहीं होगा, मैसूर जरूर जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये इसलिए ध्यान में आता है कि दुनिया भर में आजकल फ्लावर्स और एक्सपोर्ट ऑफ फ्लावर्स वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री इतना बड़ा एक्सपोर्ट है कि मुझे किसी ने उस दिन बताया कि 14 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट ट्रेड है दुनिया का फ्लावर्स का,
और हमारा नगण्य है, जबकि हिंदुस्तान में तो पूरे 12 महीने धूप होती है। सिक्किम के कोई लोग यहाँ पर आएंगे तो वो बताएंगे कि एक तो विशेष फ्लावर होता है ऑर्किड, वो ऑर्किड वहां पर कितना बढ़िया होता है। अर्थात कि अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा, अपने रिसोर्सेस, उनका मैक्सिमम उपयोग करने का संकल्प अगर हमारा होगा तो निश्चित रूप से भारत एक महान देश बन सकता है, काफी ऊंचा देश बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का स्वप्न है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के तुरंत बाद ऐसी स्थिति देश में हो जब किसी को भी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं से सीमित न रहना पड़े, वंचित न रहना पड़े, खाद्य की, भोजन की, आवास की। ये क्या तरीका है कि करोड़ों लोग भोजन पूरा नहीं करते, करोड़ों लोग बिना जल के। और मैं गया हूं, यहां भैरव सिंह जी बैठे हैं, भैरव सिंह जी के राजस्थान में तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं कि जहां पर लोगों को 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर पैदल जाकर के पानी लाना पड़ता है, कहीं से पानी नहीं पीने का। एक बार किसी गांव में जाने का अवसर आया था, तो ठीक है कि 10-12 पहले वर्ष की बात है, और उसके बाद भैरव सिंह जी वहां पर मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके कारण कुछ चमत्कारी परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन तब की दशा इतनी खराब थी कि लगता था कि ये हिंदुस्तान में ये स्थिति आज भी। और उस स्थिति में हम जो शहरों में रहने वाले हैं और सभी दुनिया भर की सुविधाएं प्राप्त करते हैं, तो एक प्रकार से कभी कभी तो लगता है जैसे मानो हम पाप के भागीदार हो रहे हैं, जब बाकी दुनिया को इतना कष्ट है, इतनी तकलीफ है, हमको इतनी सुविधाएं। और यह स्थिति हमको परिवर्तित करनी है। देश की स्थिति, उसका थोड़ा सा विवरण मैं कर चुका हूं। मैं मानता हूं कि कश्मीर में जो हमने गलतियां की हैं और बंबई के बम विस्फोट जो अभी मार्च में हुए हैं, इन दोनों ने राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ा विषय खड़ा किया है कि क्या वर्तमान शासन और इनकी वर्तमान नीतियों के चलते हुए राष्ट्र सुरक्षित है, आम नागरिक सुरक्षित है। हर एक के मन में चिंता होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और खास करके बंबई के बम विस्फोटों के बाद, उससे पहले तो मान लिया जाता था अरे ठीक है ये होता रहता है, कश्मीर में होता रहता है, पंजाब में होता रहता है, कभी कभी दिल्ली हरियाणा में भी हो जाता है, तराई के इलाके में उत्तर प्रदेश में हो जाता है, लेकिन बंबई हिंदुस्तान का कमर्शियल कैपिटल है, वहां पर तो दंगा भी नहीं होता, वहां पर कोई बम विस्फोट भी नहीं होता। और बंबई के पुलिस की तो बात लोग कहते थे, बंबई के लोग बड़े गर्व से कहते थे कि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद कोई एफिशिएंट पुलिस है तो वहां की पुलिस, कहते थे। अब नहीं कहते, अब कहीं नहीं कहता, अब तो कहते हैं कि अगर माफिया का प्रवेश सबसे ज्यादा कहीं पर है तो बंबई में, माफिया गैंगस्टर्स रहते हैं दुबई में, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए किसको देते, बिल्डर्स लॉबी, फिल्म इंडस्ट्री। हमारे बैठे हैं शत्रुघ्न जी, यहां बैठे लक्ष्मी जी, यहां बैठी है फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि। और तीसरा भूलना नहीं चाहिए, तीसरे पॉलिटिशियंस, राजनेता, बिल्डर्स लॉबी, फिल्म इंडस्ट्री, राजनेता। हमारे प्रमोद जी ने बताया कि उनको सूचना दी गई सरकार की ओर से अधिकृत रूप से कि आपके भारतीय जनता पार्टी के अमुक 20 लोग हैं जो दाऊद के हिट लिस्ट में है, हिट लिस्ट में है। प्रेम कुमार शर्मा की तो हत्या हो ही गई, बाकी भी लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, और भी लोग हैं, प्रमुख हैं, उनको कहा कि इनकी हिट लिस्ट में है, आप जरा सावधानी रखिए। और मैं प्रमोद जी के साथ कहीं प्रवास कर रहा था तो प्रमोद जी उसका जिक्र करके कह रहे थे कि देखिए हमको इस बात का गर्व है कि हम दाऊद के हिट लिस्ट में हैं, हम इसे घबराते नहीं। लेकिन शासकों को भी सोचना चाहिए कि कैसी विचित्र स्थिति पैदा हुई है कि बीजेपी के नेता तो हिट लिस्ट पर और कांग्रेस के नेता तो दाऊद के गेस्ट लिस्ट पर।